सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं। नगर निगम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु नगर निगम की 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन नगर निगम कार्यालय भवन व सदन भवन का किया निरीक्षण। एनएक्सी भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कहा, आमजन के बीच जाकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने के प्रति करें जागरूक। सीएम योगी ने नगर निगम पार्षदों के साथ की बैठक। ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत बेलीपार थाने की पुलिस ने दिल मोहम्मद नामक युवक को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 77 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह का पुलिस अधीक्षक अपराध ने किया खुलासा, कहा 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 1 एटीएम और नगद किया गया बरामद। सीएमओ ने जनपद वासियों से की अपील, कहा वैश्विक महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का पालन करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव कृषि ने संबंधित अधिकारियों के साथ किसान सम्मान निधि के संबंध में की चर्चा। और हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र से गायब 2 बच्चों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत दूरदराज से आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान कार्यवाहक जिलाधिकारी CDO इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम निधि के अंतर्गत नगर निगम परिसर में ठेला रेडी और रोजमर्रा का कार्य कर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किए जा रहे वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की और सभी को वैक्सीनेशन कराने की अपील की। इस दौरान कार्यवाहक जिलाधिकारी CDO इंद्रजीत सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये यहाँ पे लोग वैक्सीन लग रहा है, आप पका रहे हैं, थोड़ा हाथ लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा देते हैं। और ये सब 45 की करवा लीजिए, 45 हो गया वो। अच्छा
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। योगी जी का चाहते हैं कि गोरखपुर में 100% टीकाकरण हो। इसका कारण है कि कोरोना बीमारी का एकमात्र इलाज है सब तक टीका पहुंचाना। वो हमारी सरकार मुखिया योगी जी मोदी जी इसको बखूबी निभा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले और दूसरे कोरोना काल में गोरखपुर में बहुत कम लोग काल कवलित हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में जैसा कि आज हमारे नगर आयुक्त साहब ने बताया कि हम लोगों ने सौदागृह पर इतनी अच्छी व्यवस्था की थी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, कोई भी व्यक्ति कहीं का हो अगर गोरखपुर में अपना अंत्येष्टि करना चाहता है कोरोना पीड़ित, तो उसके लिए नगर निगम की तरफ से सभी पार्षदों के सहयोग से मुफ्त में लकड़ी की व्यवस्था, गैस फायर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद नगर निगम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु जनपद को कूड़ा मुक्त बनाए रखने के लिए नगर निगम की 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर कूड़ा निस्तारण के लिए रवाना किया। इस दौरान नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लागू की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर RFID तकनीक का इस्तेमाल करके 30,000 उसके तहत हमारे समस्त सफाई कर्मचारियों को एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर करके के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 20,00,000 रुपए का हम लोग को जो रिस्क कवर बैंक के लोगों को बुलाना चाहूंगा जो बैंक के मुख्य प्रबंधक है यहाँ पर आ जाए और जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको बुला लें। सर गाड़ी पहुंचे जी बस यार अरे भाई कौन है इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। नगर निगम में 20 कॉन्ट्रैक्टर मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में मंगाए गए हैं, जिसका आज मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके जनता को समर्पित किया है। एक कॉन्ट्रैक्टर वो काम करेगा कि वो कूड़े को, सूखे कूड़े को कंप्रेस करके छोटा छोटा गोला के रूप में बनाएगा। 4 ट्रक का कूड़ा एक कंप्रेस्टर का गोला बना लेगा और उसको डिस्पोज करने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से शहर का हर कोना कूड़ा मुक्त होगा, ये हमारे योगी जी चाहते हैं और हम लोग नगर निगम, नगर आयुक्त, पार्षदों के सहयोग से ये काम रहा। नगर निगम कार्यालय भवन, सदन भवन का निर्माण कार्य नगर निगम परिसर में चल रहा है।
करोड़ों की लागत से बन रहे इस भवनों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। वहीं कार्यदायी संस्था यूनिट 42 BNDS जल निगम के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार रंजी, प्रभारी जिलाधिकारी CDO इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बेसमेंट सर लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड सेकेंड फ्लोर बेसमेंट सर साइज की बिल्डिंग है सर, यहाँ पर पूरा पार्किंग है सर, यहाँ पे ऑफिस डबल हाई सर, हाई दादा तक कितना आपने निर्माण कर सर, इसमें ये 30 नवंबर का लक्ष्य सर, 30 नवंबर तक हम इसको कंप्लीट काफ़ी अच्छा होगा। एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी था सर, उसमें भी आप रवाना होगा किसके लिए नगर निगम कार्य, नगर निगम कार्यालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, गोरखपुर जैसा आज उन्होंने बताया कि सीताराम जी आपके कहने पर मैंने सदन में किया है कि आपको श्रेय जाता है। हमने कहा कि नहीं महाराज, पैसा आपने दिया, श्रेय आपको जाएगा। तो इस तरह की बातें आपस में हुई है हम लोगों की, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। हमारे पार्षद लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे उपसभापति ऋषि मोहन, विजय सिंह छोटू जी, राजेश तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी, और भी हमारे बहुत सारे पार्षद हैं। बुधवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को NXC भवन सभागार में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान अपनों को खो चुके लोगों के बीच जाकर उन्हें ढाढ़स बंधाए रहे और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका उन्हें लाभ दिया जाए। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि शशिपुज महाराज जी ने गोरखपुर जनपद के सभी सम्मानित सांसद और माननीय विधायक लोगों के बीच में आज NXC में बैठक की, जिसमें पूज महाराज जी ने कोविड को लेकर के सारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा की कि आप लोग गांव स्तर पर जाइए और सबको प्रेरित करिए कि आप लोग कोविड का टीका लगवाएं। इसी महीने में करीब 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लोगों को लगनी है। अगले महीने में जुलाई में करीब 3 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, पूज महाराज जी द्वारा जनता को लगवाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात थी कि आज किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो, उसके लिए खाद्य सामग्री निःशुल्क जो हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी द्वारा गांव स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है कोटे के माध्यम से, उसका आप लोग विजिट करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सबको खाद्य सामग्री मिले, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। और उसके बाद सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकों से पूज महाराज जी ने कहा है कि आप लोग उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लें और वहाँ की व्यवस्था देखें, और हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जितना संभव हो आप वहाँ का निरीक्षण करें। NXC भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कराने को लेकर आम जनमानस से अपील के साथ ही उन्हें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करें। इस दौरान भाजपा के क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर,
महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित तो बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी कड़ी में गोरखपुर जिले के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी से भी निवेदन है कि आप भी पुष्प देकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। इस संबंध में सिटीवा संवाददाता से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कोविड के ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्य किया, बहुत लोगों से समीक्षा भी किया और उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में क्या करना है इसके ऊपर भी प्रकाश डाला और बहुत से लोगों ने जो कोविड में नहीं हैं इस बीच में चले गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके घरों में जाने के लिए महाराज जी ने सबसे आग्रह किया और आगे आने वाला जो समय है उसको भी बचाने के लिए गाँव में शहरों में लोगों के परिवारों में जाने के लिए प्रेरित किया ताकि सब कार्यकर्ता घरों में जाएं और सबके दुख सुख में शामिल हों, उनको क्या कमी है इसको पूरा करें और जो कोविड का किट वगैरह जो बहुत से अभी किट 26 तारीख से बांटे जाएंगे वो किट ले करके उनको जा करके गांवों में शहरों में लोगों को प्रेरित करें। नगर निगम पार्षदों के साथ एनेक्सी सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर नगर निगम कार्यों और कोविड-19 रोकथाम पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों से कहा कि अपने अपने वार्डों में जाकर आम लोगों के बीच वैक्सीनेशन कराने को लेकर जागरूक किया जाए और शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को उन तक पहुँचाने का कार्य भी किया जाए। बैठक के दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद व मनोनीत पार्षद मौजूद रहे। हम सबके मुखिया और ठीक है हुए हैं हम सब इनका आज की इस बैठक में कर्तव्य ध्वनि से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में मंचासीन आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन नगर निगम के अध्यक्ष, हम सबके महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, मंच पर आसीन। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय उमीद, विद उमीद ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के विभिन्न 77 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंपों में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, जिले में 77 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इसमें से दो हमारे महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, दो हमारे अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है, एक बूथ हमारा नगर निगम में चल रहा है, जिसमें रोड साइड के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और रेवड़ी वाले हैं, इन सबका वैक्सीनेशन चल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ देखा और वहाँ की वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। अभी जानकारी मिली है कि करीब 600 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन वहाँ हो गया है। और एटीएम बदल कर पैसा निकालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पीपीगंज थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह शातिर एटीएम मशीन के अंदर भोले भाले लोगों के पीछे लगकर बैलेंस चेक और पैसा निकालने के दौरान उनकी मदद के नाम पर उनका पासवर्ड जान लेते थे और फिर एटीएम और सीएसपी में जाकर पैसे निकाल लेते थे। पीपीगंज थाने के पुलिस के साथ ही साइबर सेल की टीम के संयुक्त प्रयास से इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 एटीएम, 19,170 रुपए कैश बरामद किया गया है। वहीं इनमें से कई अपराधियों के ऊपर विभिन्न थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। लगातार जनपद में सारे अपराधों को वर्कआउट करने में इन लोगों का कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग जो है साइबर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। उसके अंतर्गत भी हम लोग विद्यालयों में अथवा इस समय विद्यालय बंद है तो ऑनलाइन भी लोगों को जागरूकता इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। एक संदीप सिंह हैं, तिगरा पीपीगंज के रहने वाले, तो उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उनका एटीएम बदल के जो है एटीएम से 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। तो उस सूचना के आधार पे थाना पीपीगंज और हमारे साइबर सेल की टीम SI महेश चौबे द्वारा इसको संयुक्त रूप से भर्त किया गया। CO क्राइम साहब और CO कैंपियरगंज के सुपरविजन में, और उसमें एक अभियुक्त सुधीर सैनी की गिरफ्तारी हुई है। सुधीर सैनी के पास से 2 ATM बरामद हुए हैं और 19,170 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ पे पता चला कि ये जो है भोले वाले लोगों में हेल्प करने के नाम पे उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और उनका पिन कोड पढ़ लेते हैं, धीरे से उनका ATM पिन पता कर लेते हैं चालाकी से। उसके बाद हेल्प करने के नाम पे अपने ATM से ATM एक्सचेंज कर दिया किसी भी ATM से, उसके बाद धीरे धीरे उससे पैसे निकालते रहते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को गोरखपुर जनपद में मात्र 6 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि आम जनमानस COVID-19 का अनुपालन करते हुए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करने के बाद ही बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया है। ऐसे में हमें इन सब सावधानियों को अपने दिनचर्या में लाने की जरूरत है, जिससे कि लंबे समय तक अपने जनपद को संक्रमण से दूर रखा जा सके।
इधर बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो गया है कोविड को लेकर के, कोविड नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में चल रहा है। आज हमारे ज़िले में 6 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए, करीब 4,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ जाँचें हुई हो रही हैं, ऑन एवरेज 5,000 से ऊपर हमारी जाँच चल रही है। हमारे पास अब एक्टिव केसेस 200 से नीचे हो गए हैं, ज़्यादातर केसेस जो है होम आइसोलेशन में ही हैं। अस्पताल में सिर्फ BRD मेडिकल कॉलेज में कुछ पेशेंट बचे रह गए हैं, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। हमारा 100-bed TB हॉस्पिटल में कोई भी मरीज नहीं है, करीब 15 दिन पहले वहाँ एक मरीज था जिसको हम लोगों ने BRD मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करके वहाँ अभी क्लोज कर दिया है। वहाँ हमारे नॉन कोविड की तरह से संचालन, अस्पताल का संचालन हो रहा है। तो इस तरह से आज की तारीख से हमारा कोविड नियंत्रण काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल हो गया है, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोगों को कोविड के नियमों का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि नियंत्रण तभी संभव हो पाया है कि जब लोगों ने कोविड नियमों का पालन किया, मास्क लगाया, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं गए, ज़रूरत पड़ने पर ही रोड पर जाएं, कहीं जाएं, तो इन सब का नियंत्रण आप अपने आप करेंगे तो कोविड का संक्रमण रोका जा सकेगा। अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत बेलीपार थाने की पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ दिल मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, बीती रात लगभग 20 बजे कुशमौल गांव पर दिल मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति, जिसे बेलीपार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके पास से 32 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर थाना बेलीपार में अभियोग पंजीकृत करके उसे माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पूछताछ में उसने कहां से प्राप्त किया है ये स्रोत भी बताया है, उसके बारे में आगे की जानकारी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ADG महोदय के ऑपरेशन तमंचा अभियान के अंतर्गत कार्यवाही है, जिसमें हम स्रोत तक पहुँचने का प्रयास करेंगे कि उसे कहाँ से मिला है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हर जरूरतमंद के खातों में किसान सम्मान निधि पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये 2 लाख, इसका मतलब ये 2 लाख वो लोग है जिनका या तो गलत खाते में पैसा जा रहा था या किसी वजह से पैसा जा नहीं रहा है, पर आप लोगों ने इन अपने आप वेरीफाई करके करीब 7,87,000 ऐसे लाभार्थी बताए हैं जिनका रिकवरी होना है। 5 डिफरेंट केसेस हैं। पहला है जो आयकर दाता थे जो 2 लाख से ऊपर है, इनसे इनका स्टॉक पेमेंट हो गया, इनसे रिकवरी होनी है। दरअसल
हरपुर बुधहर थाना अंतर्गत ग्राम कटसहरा से लापता दो बच्चों को जनपद पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी खजनी इंदु प्रभा सिंह ने बताया, कल दिनांक 15/6/21 को थाना हरपुर बुधहर के ग्राम कटसहरा निवासी श्री इंद बहादुर द्वारा शाम को थाने पर आकर ये सूचना दी गई कि उनके दो बच्चे, एक लड़की नाम सुंदरी उम्र तकरीबन 10 वर्ष और एक लड़का नाम लौकुश उम्र करीब 5 वर्ष दोपहर से ही अपने घर से लापता है। इस सूचना पर थाना हरपुर बुधहट पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की गई तथा उच्च अधिकारीगणों को भी सूचना दी गई। इस सूचना पर सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर आए तथा उनके निर्देशानुसार तत्काल कई टीमें गठित करते हुए वृहद स्तर पर बच्चों की तलाश शुरू की गई तथा परिजनों व रिश्तेदारों से भी गहनता से पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के दौरान संज्ञान में आया कि गुमशुदा बच्चों की मां ने कुछ माह पूर्व घर से भागकर किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली थी। अन्य एंगल के साथ इस एंगल पर भी कार्रवाई करते हुए हमने उनकी लोकेशन सवलान सर की मदद से ट्रेस की तो उनकी लोकेशन दिल्ली के आसपास आई। तत्काल ही दिल्ली पुलिस की सहायता से घेराबंदी करते हुए जब उनकी बच्चों की मां को रोका गया तो बच्चे भी उसके साथ बरामद हुए और उनको थाना कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पर रोक लिया गया है। यहां से हमारी पुलिस रवाना हो गई है और शीघ्र ही उनको लेके सकुशल वापस। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं। नगर निगम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु नगर निगम की 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन नगर निगम कार्यालय भवन व सदन भवन का किया निरीक्षण। एनएक्सी भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कहा, आमजन के बीच जाकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने के प्रति करें जागरूक। सीएम योगी ने नगर निगम पार्षदों के साथ की बैठक। ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत बेरीपार थाने की पुलिस ने दिल मोहम्मद नामक युवक को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 77 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह का पुलिस अधीक्षक अपराध ने किया खुलासा, कहा 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 1 एटीएम और नगद किया गया बरामद। सीएमओ ने जनपदवासियों से की अपील, कहा वैश्विक महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का पालन करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव कृषि ने संबंधित अधिकारियों के साथ किसान सम्मान निधि के संबंध में की चर्चा। और हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र से गायब दो बच्चों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत।